हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट दाल तड़का आसान विधि से बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मोगर या फिर पीली मूंग की दाल कह सकते हैं हम, वो ली है, और 3/4 कप जितनी अरहर या तुअर की दाल ली है, और इसको हम 30 मिनट के लिए भिगो देंगे। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हो मैंने तीनों दालें मिक्स कर ली है, ये काफ़ी फुली हुई सी लग रही है। इसको मिक्स करके हम डालेंगे कुकर में, क्योंकि हम इसे बॉईल करेंगे। तो साथ ही इसके कुछ इंग्रेडिएंट हम डालेंगे बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं 3 कप जितना पानी लूँगी। अगर आप 3 कप पानी ले रहे हो तो कुकर थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, नहीं तो आप 2 कप जितना पानी ले सकते हो। साथ ही हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून और तेल 1/2 टेबल स्पून लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। ये जब उबल जाती है तब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, और सीटी ज़रूर लगाइएगा, और इसको 1 विसल तक हाई फ्लेम पे रखना है और 2 विसल स्लो फ्लेम पे आनी चाहिए। तड़के के लिए यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून जितना घी लूंगी मैं, आप चाहो तो ऑयल ले सकते हो। सरसों 1/4 टेबल स्पून और हींग 1/4 टेबल स्पून डालेंगे, और यहाँ पर जीरा 1/2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने 8 से 9 कलियाँ ली हैं लहसुन की, उसको एकदम अच्छे से काट लिया, आप चाहो तो क्रश कर सकते हो, और अदरक को एकदम अच्छे से क्रश कर दिया है। साथ ही यहाँ पर एक ऑनियन डालेंगे, उसको अच्छे से बारीक चॉप किया है, और 2 ड्राई रेड चिली। अब इसको एकदम अच्छे से, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। आप इसको कंटिन्यू स्टर करते रहिएगा। यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डालूंगी 1/4 टेबल स्पून और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, साथ ही थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा ही डालना है हमें, और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1 मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटोज, 2 टमाटो लिए हैं अच्छे से बारीक चॉप किए हुए, और इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे मीडियम स्लो फ्लेम पर। 2 मिनट तक चलाते रहना है इसको। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून, बहुत ही थोड़ी डालिए ये, और इसको एकदम अच्छे से चलाइए। यहाँ पर देखिए हमारी दाल एकदम अच्छे से गल चुकी है, जब पूरी सीटी निकल जाए, कुकर ठंडा हो जाए तभी उसको खोलिएगा। तो अब हमारी दाल इसमें जाएगी, देखिए बहुत ही सुंदर इसका कलर आएगा। धीरे धीरे करके पूरी दाल इसमें मिक्स कर लीजिए, और इसको 3-4 मिनट पर मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू स्टर करते हुए हमें इसको चलाना है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें फ्रेश धनिया पत्ता डालेंगे धोकर, और इसको एकदम स्लो फ्लेम पर ओकेशनली चलाते रहेंगे। तो अब हम इसके लिए दूसरा तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने घी लिया 1 टेबल स्पून और सरसों का तेल 1 टेबल स्पून, और साथ ही थोड़ा हींग डालेंगे इसमें, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून जीरा और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हम इसमें डालेंगे, फ्रेश धनिया पत्ता 1 टेबल स्पून जितना, या फिर आप अपनी आवश्यकतानुसार डाल सकते हो। और 1/2 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है, जो कि कलर बहुत अच्छा देती है, देखिए। तो अब इस तड़के को हम सीधे दाल में मिक्स करेंगे। सो ये तड़का सीधा दाल में गया। दाल की कंसिस्टेंसी देखिए बहुत ही अच्छी थिक हो चुकी है हमारी दाल, बिल्कुल ही ढाबा जैसी। तो ये दाल आप बनाइए और मुझे आपके कमेंट्स बताइए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू सो मच।